हाय दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, फिर से आज आप लोगों के बीच अच्छे और नए वीडियो से हम आ चुके हैं। जी दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, हमारे हैंड के ऊपर देखिएगा एक लिफ्ट दिख रहा होगा। ये छोटा क्रेन लिफ्ट है जो कि सामान एक जगह से दूसरी जगह किया जाता है, जिसको हम कनेक्शन और टर्मिनेशन और केबल चार्ज करके आप लोगों को दिखाएंगे कैसे वर्क करता है। हमको बस ये चार्ज करने का मिला है, तो हम बस यहाँ देखिए जो मैं वायर डाल रहा हूँ, ये हमारा RYB है, तो ये हमारा लिफ्ट का वायर है। इसमें हमारा ब्लैक वायर नहीं है, देखिए TPN MCB भी है और इसमें ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड और इतना 4 वायर है। तो हमारा ग्रीन वायर जो है वो हमारा अर्थ है और रेड वाला हमारा फेस है, येलो फेस है, ब्लू फेस है, न्यूट्रल नहीं है क्योंकि ऊपर उसमें क्रेन में न्यूट्रल नहीं रहेगा, 3 फेस का मोटर है। तो और देख सकते हैं कि हमारा अर्थ ही न्यूट्रल रहेगा। तो हम एक एक करके इसमें हम कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो हमारा येलो हो गया और रेड हो गया, ब्लू भी इसी प्रकार से हम कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा TPN MCB से आउट हो रहा है, तो कुछ इस प्रकार से हम ये कनेक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ से नीचे वाला टर्मिनल से ऊपर टर्मिनल कनेक्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ कनेक्ट हुआ है। और ये हमारा इंडिकेटर का वायर आप लोगों को दिख रहा होगा, 1, 2, 3 यानी RYB हमारा इंडिकेटर है, इसका भी कनेक्ट हो गया है। और ऊपर से आप लोग दिख रहा हो एक लिंक कर दिए हैं, तो हमारा इंडिकेटर ऑन हो चुका है। ये अभी देखिए ग्लैंड है, तो छोटा सा एक ग्लैंड है, इसको ग्लैंड कर लेना फटाफट, उसके बाद हम इसको हम टर्मिनेशन करेंगे। तो ये हमारा ग्लैंड है, इसमें देखिए हमारा मेन ग्लैंड बॉडी है और चेक नट है और यूनियन शील्डिंग है। पहले हम मेन ग्लैंड बॉडी को डाल रहे हैं, उसके बाद हम यूनियन शील्डिंग डालेंगे, वाशर, मेटल वाशर और यूनियन शील्डिंग साथ में डालेंगे, उसके बाद मेन ग्लैंड बॉडी डाल के अच्छे से टाइट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा पूरा इसमें हम डाल दिए हैं, बस इसको हम एक एक करके हम रेडी करेंगे। मेन ग्लैंड बॉडी हो गया, मेटल वाशर हो गया, यूनियन शील्डिंग हो गया। ये डालने के बाद चलिए हम फटाफट कटिंग कर ले रहे हैं मेटल को, जो आर्मर हमारा है ना उसको हम कटिंग कर ले रहे हैं। उसके बाद हम बताएंगे ये हमारा आर्मर है, एक एक हम फोल्ड करेंगे इस प्रकार से। ये हमारा 22 का ग्लैंड है, 20 का केबल है, 22 का ग्लैंड है। तो हम काम भर के यहाँ पे स्लीव को निकाल लिया हूँ, हमको बस इतना बस ग्लैंड करना है आप लोगों को दिखाने के लिए, हम इतना रखा हूँ। चलिए अभी मैं फटाफट ग्लैंड कर ले रहा हूँ, पहले एक एक हम आर्मर को फोल्ड करके कटिंग कर लेंगे, जो हमारा ग्लैंड का साइज है उसके हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कटिंग अभी हो चुका है, ऑलमोस्ट थोड़ा बाकी है, 2-3 और हमारा आर्मर रह जाएगा, वो होने के बाद हम इसमें मेन ग्लैंड बॉडी को डालेंगे। चलिए फटाफट हम पहले कटिंग कर ले रहे हैं और इसको हम ऑन करके दिखाएंगे आप लोगों को कैसे ऑन और ऑफ हो रहा है। देखिए हम एक एक करके कटिंग कर ले रहे हैं, पहले अभी आर्मर देख सकते हैं कि हमारा आर्मर कटिंग हो चुका है, 2 और बाकी है। एक एक हम आर्मर इसी तरह से कटिंग करेंगे। कटिंग करने का भी तरीका है, जैसे इस प्रकार से नहीं कटिंग करेंगे तो सोचेंगे कि ये नहीं कटिंग हो रहा है, तो प्लाई से कटिंग कर दे तो रेडी नहीं होगा, क्योंकि हमारा मेन ग्लैंड बॉडी इसमें जाएगा ही नहीं। देखिए हम ऐसा कटिंग किए हैं कि इसमें आसानी से मेन ग्लैंड बॉडी जा सकता है, मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा सा ये ज़्यादा है जिसको हम कटिंग कर ले रहे हैं, प्लाई के माध्यम से थोड़ा तोड़ देंगे। देखिए थोड़ा ज़्यादा था, इसको प्लाई के माध्यम से तोड़ दे रहे हैं। ये अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा रेडी हो गया, ये हमारा मेन ग्लैंड बॉडी हो गया। तो इसको पहले मेन ग्लैंड बॉडी को डालेंगे, चकनट को बाहर निकाल लिए हैं, मेन ग्लैंड बॉडी डाल के इसको अच्छे से हम टाइट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे मेन ग्लैंड बॉडी हो चुका है और इसको हम अच्छे से टाइट कर लिए हैं, देख सकते हैं टाइट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम अंदर डालेंगे,
केबल हमारा इधर से इन होगा। देखिए हमारा केबल इन हो गया और इसमें हम चक को डाल देंगे, जो हमारा चकनट होता है उसको इसमें डाल के अच्छे से हम टाइट कर देंगे। हमारा ग्लैंड रेडी हो गया, अभी रह गया हमारा टर्मिनेशन का। पहले ग्लैंड रेडी कर ले रहा हूँ, ये हमारा चक हो गया और यहाँ पे अच्छे से हम टाइट कर ले रहे हैं। ये टाइट करने के बाद हम क्या करेंगे, केबल को फोल्ड करेंगे और आर वाई बी को फर्स्ट कनेक्ट करेंगे और न्यूट्रल को ऐसे ही रखेंगे, न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं है इसमें। चलिए हमारा रेडी हो गया, ऐसा नहीं इसी पर ऐसा ही रखेंगे, हाँ इसी तरह रख ले रहे हैं। उसके बाद हम देखिए हमारा ये रेडी हो गया, उसके बाद स्लीव को अच्छे से निकाल ले रहे हैं। स्लीव को निकालने के बाद हम एक एक करके इसमें हम फिल कर देंगे, अभी हम स्लीव को कटिंग कर ले रहा हूँ। ये स्लीव जो है हम कट करके निकाल ले रहे हैं, इतना बड़ा नहीं चाहिए हमको, जितना चाहिए उतना कटिंग कर लिए हैं। अभी ब्लैक वायर को टेप मार कर रख दिया हूँ और आर वाई बी को कनेक्ट कर ले रहे हैं। कनेक्ट करने से पहले इसको हम अच्छे से निकाल देंगे, उसके बाद फोल्ड करेंगे इसको। देखिए इसको अच्छे से हम फोल्ड कर दे रहे हैं। फोल्ड करने के बाद हम एक एक आर वाई बी करके एक एक हम डाल दे रहे हैं। ये देख सकते हैं कि हमारा आर वाई आर हो गया और वाई बी डालने का है, वो भी इसी प्रकार से डाल के अच्छे से हम टाइट कर देंगे। पहले डाल के उसके बाद हम चार्ज करेंगे, क्योंकि ये मेन केबल है, उधर से हम मेन से ऑफ किया हूँ। अभी ये हमारा येलो वाला वायर हो गया, स्लीव को उतना निकालना है कि इसको डबल में हम फोल्ड कर सकते हैं। चलिए हमारा निकल गया, इसको अच्छे से हम फोल्ड कर दिए और इसके बाद हम येलो वायर को अच्छे से हम कनेक्ट कर देंगे। अभी येलो वायर को हम अच्छे से कनेक्ट कर दे रहा हूँ सी टर्मिनल में। थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हम विस्तार से बताना चाहूँगा स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को। कोई भी काम ऑटोमेटिक नहीं होता है, करने से ही होता है। तो हम एक एक आर वाई बी को फिल कर दिया हूँ, बस बी वाला हमारा वायर रह जा रहा है, वो भी हम अच्छे से फिल कर देंगे। उसके बाद इसको हम ऑन करके दिखाएंगे आप लोगों को। अभी देख सकते हैं हमारा वाई वाला वायर रेडी हो गया। इसी प्रकार से हमारा ब्लू वायर है, वो भी हम इसी प्रकार से कर लेंगे। ये ब्लू वायर को भी स्लीव को निकालेंगे और फोल्ड करके उसमें हम डाल देंगे, अच्छे से टाइट कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा आर वाई भी अच्छे से हम कनेक्ट कर दिए हैं। अभी इसको हम ऑन करेंगे। अभी न्यूट्रल वायर तो न्यूट्रल साइड में रख दे रहा हूँ, न्यूट्रल का काम तो नहीं है। अभी रह जाएगा हमारा अर्थ, तो दो अर्थ है, दो अर्थ भी पहले चलिए रेडी कर ले रहा हूँ, क्योंकि थ्री फेज चार्ज करने से पहले हमारा अर्थ बहुत कंपलसरी बहुत जरूरी रहता है लीकेज करंट के लिए। तो अर्थ भी रेडी कर ले रहा हूँ दोनों साइड में हमारा, क्योंकि यहाँ पर वायर आया हुआ है अर्थ का, बस इसको हमको क्लेम करना है और उसमें अच्छे से फिल कर दे रहे हैं। देखिए हमारा 6 mm का अर्थ केबल है, तो इसको हम 6 mm का ही लिया हूँ कॉपर सॉकेट। अब इसको अच्छे से हम क्लैंपिंग करके इसमें टाइट कर दे रहा हूँ इसी तरह, ठीक इसी प्रकार के हमारा दूसरा वाला भी दोनों इसी तरह से हम अच्छे से हम टाइट कर देंगे। देखिए इसी प्रकार से हम ये भी इसको भी टाइट कर देंगे। यह वाला है तो इस पर भी अच्छे से हम टाइट कर दे रहा हूँ, ये भी हमारा रेडी हो जाएगा। ओके अभी इसको अच्छे से हम टाइट कर दिए हैं, दोनों तरफ फिट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे हम ये वाला देखिए, इसमें हमारा स्क्रू आएगा, उसके बाद इधर अच्छे से हम टाइट कर देंगे। ये रेडी होने के बाद आप लोगों को
ऑन करके चेक करा दे रहा हूँ। ओके अभी आप लोग देखते हैं हमारा रेडी हो चुका है। देखिए हमारा ऑन हो गया लिफ्ट, ये पैर फर्स्ट ऑन करेंगे उसके बाद ये हम ऑन करेंगे। तो आप लोग हम दिखाना चाहेंगे कैसे ये वर्क कर रहा है। चलिए इसको टाइट कर ले रहे हैं। देखिए हमारा ऑन हो चुका है, तो इधर देख लीजिए ऊपर में ये हमारा लिफ्ट क्रेन वर्क कर रहा है और अभी ग्लास उतार रहा है क्रेन के माध्यम से। अभी नीचे रखेगा किस तरह से आप लोग दिखाएंगे हम। ये देखिए नीचे आ रहा है कुछ इस प्रकार से, हमारा नीचे आराम से ग्लास रख देगा। ये अस्थाई क्रेन है, बस यहीं पर रहेगा, कोई दूसरा जगह नहीं जा सकता है क्योंकि इसमें फिटिंग कर दिया है क्रेन। इस गोदाउन में जो भी मटेरियल आएगा नीचे ऊपर करता रहेगा, इधर से उधर जगह चेंज करता रहेगा, इसी के लिए बस है। तो ये देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे अभी रेडी हो चुका है। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम लोगों को अर्थ भी और आर वाई बी का बिट दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से आर वाई बी का बिट है। तो चलिए वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। अभी इसके बाद हमारा वीडियो फिनिश हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल मसाजे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नया से नया वीडियो आप लोगों के पास पहुँचता रहे। आप लोग देख सकते हैं हमारा बिट दिख रहा है आर वाई बी, यानी हमारा तीन फेस है। जो ग्रीन आप लोग बताए थे कि हमारा ग्रीन है न्यूट्रल नहीं है, तो ये हमारा ग्रीन वाला भी इसी में है। तो ग्रीन न्यूट्रल का काम करता है क्योंकि वो तो फोरा भी लीकेज करंट आएगा तो मोटर वर्क नहीं करेगा, ऑफ हो जाएगा। ये हमारा देखिए लिफ्ट है कुछ इस प्रकार से, देखिए ऐसा है। थैंक यू, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।